ये गाने से जुड़ने का क्या रीजन था और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सबके बारे में तुम्हारी ऑडियंस को बताया गाने के बारे में थोड़ा सा? जी, तो पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि कम गानों से जुड़ती हूँ तो मेरी चॉइस नहीं होती। जो गाने आते हैं उसमें जब मुझे लगता है कि मैं वो गा सकती हूँ तो मैं ज़रूर गाती हूँ और ज़्यादातर गाने मैं गाती हूँ। और इस गाने के साथ जुड़ना जो है, मुझे लगता है कि एक गीत तो एक वजह होती है कि हमारी एक अपनी इनर जर्नी होती है, जो अंतर यात्रा है वो उसके थ्रू होती है, लेकिन उस प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो ज़्यादा मतलब मैटर करती है। गाने का जो आउटकम है वो उस पर ही निर्भर करता है, और उस प्रोसेस में आप जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं, मुझे लगता है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो मतलब मेरी रविकेश से डायरेक्ट बात तो शायद हुई नहीं गाने के स्टूडियो में मिलने के पहले। गाना आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से व्हाट्सएप पर आ जाता है। शमा जो मेरी मैनेजर हैं उनकी सब बातचीत हुई और हम सीधा स्टूडियो में मिले, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार उनको मिली हूँ। वो मुझे लगता है मेरी भी स्माइल उतनी कंटेजियस है जितनी रविकेश की है। अगर आप वीडियो जब देखा है आपने, देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें इट्स ऑल्सो प्योर ऑर्गेनिक एंड इट जस्ट हैपन्ड। जो आप उसमें डांस देखेंगे या कुछ, क्योंकि पता नहीं वो ऐसा वैसा मैंने कभी नहीं किया है कि मतलब पहले दिन ही वो हम इतना अजीब सा एक कनेक्ट हो गया, और इनकी पूरी टीम के साथ, क्योंकि वो गाने की अपनी एक एनर्जी है। फिर जब मैंने उस गाने के पीछे की पृष्ठभूमि या कहानी सुनी कि वो गाना कैसे उपजा, कैसे इनके बचपन से वो गाना है, कैसे सरप्राइज प्लान किया गया है इनकी दीदी के लिए, और इनकी दादी नानी गाती थी, और फिर कैसे इन्होंने उसको पूरा दोबारा से उसको लिखा है, जो जो इनकी यादें रही हैं, और बहुत खूबसूरत आशीष ने उसको म्यूज़िकली जो इतना सुंदर प्रोड्यूस किया है। तो आई थिंक वो उसकी जो एनर्जी, और जब एक एनर्जी होती है वो आपको बस उस बहाव में, जैसे पानी का एक नदी का बहाव होता है, ऐसे एनर्जी जो है वो अपने आप में आपको समेट लेती है और आपको अपने आप अपने साथ उड़ा ले चलती है। तो वो प्रोसेस वही हुई है, और बहुत बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं थोड़ा अपनी कंफर्ट जोन से ऊंचा मैंने गाया है, और उसकी वजह रविकेश और आशीष हैं कि दे पुश्ड मी एंड दे मेड मी डू दिस, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। ये गाना कितना चलेगा बताना चाहोगे? देखिए, वो तो हम कभी भी ये तय करके गाना नहीं बनाते। एक आर्टिस्ट की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन सिंगर तो उसको एक गाता है। उससे पहले की जो प्रोसेस है, अगर आप कबीरा बोलते हैं तो प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य और अयान मुखर्जी डायरेक्टर, उन सब का कलेक्टिव वो एक क्रिएशन था और जिसको मैंने आवाज़ दी। सेम वे डार्लिंग विशाल भारद्वाज गुलजार साहब का क्रिएशन था, या और जो भी आप गाना आप बोल रहे हैं। तो इसमें मैंने जैसा कि कहा कि रविकेश, इनके ब्रदर का नाम मैं भूल गई, रविशेख, तो इन दोनों ने लिखा और फिर इन्होंने उस धुन को धुनबद्ध किया। आशीष ने इतना सुंदर उसको प्रोड्यूस किया म्यूज़िकली। तो मैंने तो सिर्फ गाया है इनके साथ, तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हुई है और हम इंशाल्लाह बहुत काम साथ में करेंगे। लेकिन ये गाना, हमारी जो कोशिश है कि ये बिलियंस है ना हमारी पॉपुलेशन, या उससे भी ज़्यादा है, तो हमारी चाह बिल्कुल नहीं है कि हमारी खरबों तक पहुँचे गाना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे सुनने वाले 100, 1000, 1,00,000 और या कुछ करोड़ों में हैं, उन तक पहुँच जाए। बस गाना पहुँचना चाहिए, फिर उसका अप्रिसिएशन हर गाने को, हर फिल्म को, हर गीत को, हर नगमे को अपनी ऑडियंस मिलती है। हर तरह का म्यूज़िक सुनने वाले, अब मुझे सारी दुनिया तो नहीं सुनती, लेकिन जो सुनती है वो ऐसा सर आंखों पे रखती है। आपका प्यार है, जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा, आप सबका प्यार है जो हम अब तक, मतलब मैं अपने लिए कह सकती हूँ, मैं बहुत मतलब दिल से यंग हो सकती हूँ, उम्र में तो मैं बढ़ ही रही हूँ, तो उस वक्त भी अगर कोई मुझे इस लायक समझे कि मैं ये गाना गा सकती हूँ। और इसका टाइटल कितना खूबसूरत है, पहले मुझे लगा स्वामी जी गाने का टाइटल है, तो कुछ ये गाना शायद स्वामी जी मतलब कोई स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, बट व्हेन ही टोल्ड मी, अब जो कि हमारी संस्कृति में एक्चुअली है कि आपका जो हस्बैंड है आप उसको स्वामी मानते हैं, कितनी खूबसूरत फिल्म भी थी स्वामी टाइटल से, तो
मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग है, ये एनर्जी जिसको छुएगी बस वो उस एनर्जी में ज़रूर नहाएगा और उसमें ज़रूर वो क्या कहेंगे कि लिपट के बहुत इन्जॉय करेगा, बिकॉज़ इट्स अ बहुत सेलिब्रेशन वाला गाना है ये। और जो मैं हमेशा कहती हूँ बात, फिर भी कहूँगी कि फोक सॉन्ग सेलिब्रेशन का भी होता है, तो उसमें एक कहीं मेलनकलिक एक इमोशन होता है, एक थोड़ा सा पथोस होता है, एक जो मोनोटनी होती है हमारे जो रूरल लाइफ की मोनोटनी है। हम लोग अब तो फिर भी फ़ोन पे आप सारे OTT इतने प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब देख लेते हैं, उसके बावजूद जो लोग उसी ज़िंदगी में रहती हैं औरतें आदमी, उसी सिंपल ज़िंदगी का अभी भी उनका वैसा ही दिनचर्या है, वो मोनोटनी में जब म्यूज़िक उपजता है या गाना उपजता है उसमें एक हल्की सी कहीं लॉन्गिंग होती है, जो हमारा जो सोर्स है, हमारा जो बनाने वाला है ऊपर वाला, उस तक पहुंचने की है, तो वो भी इसमें है। क्योंकि अभी ये गाना जो है वो स्वामी जी से मिलने और उसके इंतज़ार की बात भी है उसमें। मैंने यहाँ कुछ बहुत कुछ तो है अभी ऐसा नहीं है। आप जानना क्या चाहते हैं वो देखिए, लकी हूँ मैं, मतलब कौन नहीं गाना चाहता है इनके साथ, कौन नहीं काम करना चाहता है इनके साथ, ब्लेस्ड फील करता हूँ। और जर्नी की बात वही है जो मैम ने कहा कि हमने गाना जब बनाया तो हमने सुनाया, पहले हमने गाना सुनाया, इनको गाना अच्छा लगा, फिर हम मिले स्टूडियो में, हमने रिकॉर्ड किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको आप सुनते हैं, वो जिनको आप पसंद करते हो, उनके साथ अगर काम करने के, तो फैन बॉय मोमेंट था मेरे लिए। तो ये मतलब इनको सुना है और इनके साथ खड़े हैं, मैं उस दिन गा भी नहीं पाया था, तो अगले दिन रिकॉर्ड किया था मैंने, तो ये वैसी वाली बात है। और मुझे लगता है कि वो एक आपकी प्यार है अंदर से, और आप जो हमें इज्जत देते हैं गाने से, प्यार करते हैं, इसलिए वो इज्जत में ये वाली बात है, क्योंकि वो संस्कार है, नहीं तो मतलब क्रिएटिविटी में तो कोई वो नहीं है, देर आर नो बैरियर्स, स्पेशली जब आप म्यूज़िक का बात करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, कुछ साथ में काम करते हैं, तो आई एम श्योर अगले गाने में नहीं होंगे। और मुझे कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं दिखी, हमने वीडियो में आप देखेंगे कि हमारी एक कलेक्टिव जो एनर्जी है ना, वो आपको ज़रूर फील होगी, वो मुझे बस, कोई भी कोई डिज़ाइंड वीडियो नहीं है, और उसमें बस जो दिल से जो फील हुआ, हमने वो गाने को एंजॉय किया है, बस गाया भी है। गाया भी ये सारी चीज़ें करना कितना इजी या डिफिकल्ट था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा। ये गाना लिखा है अभिषेक ने, ये लिखा मैंने नहीं है, ठीक है। गाना कंपोज करना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं जिस चीज़ से आपको प्यार होता है, तो डिफ़िकल्टी तो कुछ मुझे नहीं समझ में आई। ये म्यूज़िक करने का जो डिसीज़न है, साथ काम करने का जो डिसीज़न है, ये इतनी प्यारी बात है ना कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं समझ में आती, मुझे तो नहीं आई है आज तक। मतलब लोग कहते हैं मतलब कि काम से छुट्टी लेने वाली बात, मुझे अभी तक तो नहीं समझ में आई, मुझे लगता है यही छुट्टी है, यही करना तो चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा अभी तक तो नहीं लगा है, आगे का पता नहीं। आई थिंक वही प्रोसेस की बात है, एक वो फैज साहब की गज़ल का एक छोटा सा एक दो मिसरे कोट करूँगी कि ये लोग बहुत, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क से, जो काम इश्क को काम समझते थे, आराम और काम से आशिकी करते थे, आखिर में कहीं वो है कि थोड़ा इश्क किया और थोड़ा काम किया। तो ये वो वाली बात है कि जो प्रोसेस है ना, क्योंकि आई फील वी आर ब्लेस्ड कि हम इससे रोज़ी रोटी भी कमा पा रहे हैं और हम अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। ये ऊपर वाला आपको चुनता है और आपको वो नेमत, आपको वो ब्लेसिंग देता है, आपको नवाजता है उससे, तो आप ये कर पाते हैं कि इतना आपको प्यार मिले, आप सब लोग आए हैं यहाँ पर, आप ये गाने को कवर कर रहे हैं, आई एम श्योर आप इसके बारे में लिखेंगे और ये गाना सुना जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचेगा, जहां तक पहुंचने पहुंच जाएगा। बट लाइक आई सेड, हमारी जो प्रोसेस थी ना उस दिन, हम इतना, हमने लाफ्टर शेयर किया है, हमने म्यूज़िक के बारे में आशीष के साथ इतनी बातें की, और रविकेश के साथ हमने इतनी शेयरिंग जो हुई, मुझे लगता है दैट्स व्हाट मेक्स यू रिचर। वो जो प्रोसेस है वो आपको
वो आपको करती, गाना तो अब हो गया, हम तो मूव ऑन कर गए, आज के बाद हम इस गाने के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि और गाने बनाने, इसलिए तो 9 गाने वो कर रहे हैं, आज 9वां गाना रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक गाने पे अटक के रह जाएंगे, क्रिएटिविटी नीड्स नो यू नो कुछ उसमें, मतलब आपके लिए कोई वो ही नहीं है जैसे उन्होंने कहा। और ऐसा सोचिए ना कि ऐसा काम करने के रेखा जी के साथ खड़े होने का, गाने का नहीं ऐसे मौका मिलता है तो फिर उस काम से आदमी को थकान कैसे हो सकती है? मतलब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि अब ये हो गया तो मुझे विशाल को सुनाना है। उड़ी उड़ी जाए आबे, उड़ी उड़ी आबे चिड़िया सब देश, उड़ी उड़ी आबे चिड़िया सब देश की, उन्होंने आबे स्वामी जी, अपनोंने आबे स्वामी जी, चिट्ठियों ने भेजे, अपनोंने आबे स्वामी जी, चिट्ठियों ने भेजे, भेजी दिल खिन छुटका भाई, भेजी दिल खिन छुटका भाई, कैसे कही है जी के आ, आ, आ।